नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। तेलंगाना कांग्रेस ने केसीआर पर लगाया आरोप, कहा ग्राम पंचायतों को नहीं मिला पैसा, 60 सरपंचों ने की खुदकुशी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले अलर्ट, पुलिस ने किए सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा शादी का वादा करने से सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। तमिलनाडु में गहराए सीएम और स्टालिन राज्यपाल के बीच विवाद, चेन्नई में लगे गेट आउट रवि के पोस्टर। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरू का बड़ा बयान, बोले केरल की राजनीति का करेंगे ध्यान केंद्रित, 2026 में है चुनाव। रमेश क्षेत्रीथला ने सुकुमारन नायर के आरोपों को किया खारिज, बोले विधानसभा चुनाव में नहीं था सीएम उम्मीदवार। असम में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, बढ़ा तनाव, कहा सुनी होने पर मारा चाकू, पहले भी हो चुके थे दोनों में झगड़े। जम्मू कश्मीर के हालात पर अमित शाह की बैठक, घाटी में सुरक्षा, राजनीति और कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अंबाला में बोले राहुल गांधी, खाकी हाफ पैंट वाले 21वीं सदी के कौरव, एमपी में गरीब लड़कियों के फटे कपड़े देख टी शर्ट पहन रहा। असम के सीएम ने किया झूमर डांस, हेमंत शर्मा ने वीडियो शेयर कर लिखा, उनकी मदद तो नहीं कर सका लेकिन कदम मिलाए। विधानसभा में स्पीच अधूरी छोड़कर चले गए राज्यपाल, तमिलनाडु का नाम तमिझवम को लेकर सुझाव दिया, डीएमके बोली आरएसएस के विचार न थोपें। राजौरी में हिंदुओं की हत्या के बाद पूछ पंथरबाजी, हिंदू घरों को निशाना बनाए, डरे लोगों ने पुलिस से कहा हमें सुरक्षा दो। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली में शीतलहर का येलो अलर्ट, अगले दो दिनों तक जीरो विजिबिलिटी का अनुमान लगाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस मंथा की बेंच का बहिष्कार, सुवेंदु अधिकारी को संरक्षण देने का आरोप, न्यायाधीश के विरोध में पोस्टर लगाए गए। मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम नहीं मिला, 10 घंटे तलाशी हुई, जामनगर एयरपोर्ट पर रात भर रही अफरा तफरी। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बोले इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर मुसलमान को एजुकेशन धर्म परिवर्तन को बढ़ा रहा है। बिजली दरें 18 से 23 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव, कॉमर्शियल दरें 1 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी, पावर कॉरपोरेशन के मुहर के बाद होगी लागू। लाख में करे 51 दिन की लग्जूरियस क्रूज यात्रा, 3 दिन बाद पीएम मोदी करेंगे डीबगढ़ के लिए रवाना। गाजियाबाद में हिरासत में मौत, 3 पुलिसकर्मी पर एफआईआर, ऑटो चालक को एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने उठाया था। फर्जी मेडिकल का बड़ा नेटवर्क, ब्रोकर के मोबाइल में 1500 रिकॉर्डिंग, मेडिकल इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक नेटवर्क।
अलीगढ़ में मकानों में आई दरार, सीवेज लाइन के लिए हुई थी खुदाई, अब दीवारी छटी फटी, रेतदरकनी भी आती है आवाज। पूर्व उपथल सेना अध्यक्ष निरंजन सिंह मालिक का निधन, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, 38 सालों तक देश की सेवा की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब वसूला जाएगा टोल, यूपीडी जल्द निकालेगा टेंडर, अप्रैल माह से टैक्स लेने की तैयारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तेंदुए के बाद नजर आया अजगर, झाड़ियों से निकलकर रेंगेल का वायरल हुआ वीडियो। प्रयागराज के डाकघरों में हड़ताल जारी, दूसरे दिन में प्रधान डाकघर के बाहर कर्मचारी कर रहे हैं नारेबाजी। संभल में रालोद की रणनीति, किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर जन जागरण अभियान, मुख्यमंत्री के नाम किसान भेजेंगे पत्र। हमीरपुर में यूपी की 112 की गाड़ी को लगाया धक्का, सिपाहियों ने की जोर आजमाइश, खटारा वाहनों के भरोसे कैसे क्राइम होगा कंट्रोल। औरैया में घर में घुसकर हुई चोरी, 10,000 की नकदी व 3,00,000 के जेवर चुराए, मकान मालिक दूसरे कमरे में सोता रहा। सुल्तानपुर में किसानों की 50 बीघे की फसल जलमग्न, सिंचाई विभाग की लापरवाही से माइनर की कटी पटरियां। फतेहपुर में खेत गए किसान की मौत, भतीजे के साथ सिंचाई करने गए थे, ठंड से जान जाने की जताई जा रही आशंका। गला दबाकर की गई महिला की हत्या, बरेली में रिसौली के जंगल में मिली 40 साल की महिला का लावारिस में अंतिम संस्कार। कमरे में आग लगने से रिटायर शिक्षिका की मौत, फिरोजाबाद में चारपाई के पास हीटर जलाकर सोई थी, अकेली रहती थी घर में। पुलिस प्रहरियों को ठंड से बचाव के लिए बांटा गया कंबल, एसपी सिटी ने कहा गांव प्रहरी पुलिस के अभिनव अंग, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्नाव में शारदा नहर कटने से सैकड़ों बीघा डूबी फसल, किसानों ने की मुआवजे की मांग, गेहूं बर्बाद, सिंचाई विभाग को ठहराए जिम्मेदार। अमेठी में कोहरे के कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में कोहरे में भिड़े 2 ट्रक हाईवे पर थमी रफ्तार, दोपहर में धूप निकलने से मिलेगी राहत। बहराइच में एसएसपी ने किया परेड का निरीक्षण, साफ सुथरी व निर्धारित वर्दी धारण करने के निर्देश दिए। कोहरे से मथुरा से भिड़े 16 वाहन, 2 अमेरिकी घायल, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, कड़कड़ाती ठंड में मंदिर पहुंच रहे भक्त। शहर कोतवाल और 2 थाना प्रभारी लाइन हाजिर, काम से लापरवाही बरतने पर कार्यवाही, 9 उप निरीक्षक कार्यों के क्षेत्र बदले गए। जंगली जानवर पकड़ में न आने से दहशत में ग्रामीण, फसल की रखवाली नहीं कर पा रहे किसान, 6 दिन पहले देखा गया था तेंदुआ। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते आपस में भिड़े 2 पक्ष, पत्थरबाजी का वीडियो हुआ वायरल, छेड़खानी का बताया जा रहा है मामला।
चंदौली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में घाटमपुर तहसील में बने रैन बसेरों के नाम पर की खानापूर्ति, भीषण ठंड में दिखे प्रवासी को नहीं मिला कोई स्थान। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही, गोमती नगर में सील किया गया अवैध निर्माण। कानपुर में ठंड का कहर जारी, जानलेवा होती जा रही है ठंड, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। जोशीमठ मामले को सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार का, हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं। उत्तराखंड में तीन जोन में बटा जोशीमठ, दरार वाले 678 भवन चिन्हित, अब तक 81 परिवार स्थानांतरित। जोशीमठ से अलग नहीं नैनीताल के हालात, पहाड़ी से पानी का रिसाव समय पर नहीं चेते तो आ सकती है बड़ी आपदा। उत्तराखंड में ससंत के नाम पर बुलाए प्रार्थना में लालच देकर मंत्रांतरण कराने के आरोपी में दंपत्ति समेत 4 पर केस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से हरिद्वार में भी साधु संतों में आक्रोश, कहा प्रधानमंत्री मोदी भी एक तपस्वी हैं। उत्तराखंड में घने कोहरे और धुंध के कारण हुआ बड़ा हादसा, देहरादून में 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो चुके। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, ठंड से कांपे लोग। जोशीमठ को लेकर एक्शन में सरकार, विस्थापना एवं पुनर्वास के लिए केंद्र से करेगी आपदा राहत पैकेज की मांग। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बर्फबारी के आसार, शीतलहर का प्रकोप, 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तुंगाड़िया का बयान, बोले खतरे में है हिंदू, अब जागरूक और एकजुट होने की जरूरत। उत्तराखंड में नए धर्मांतरण कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज, पति पत्नी सहित 4 पर लगा आरोप। सीरियस बनने के बाद पहली बार देवभूमि पहुंचे जनरल अली चौहान, वॉर मेमोरियल के उद्घाटन में होंगे शामिल। जोशीमठ में खतरे में बिजली आपूर्ति, कभी भी धाराशाही हो सकते खंभे और लाइनें, छा सकता है अंधेरा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद, राज्य में 1.25 करोड़ की बनेगी एपीजीआईडी। उत्तराखंड के रुड़की में यूसुफपुर गांव में किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच में जुटी। अफगानिस्तान में प्राइमरी तक पढ़ पाएंगी लड़कियां, तालिबान ने आदेश जारी किया। पाकिस्तान में आटे की किल्लत, सस्ता आटा खरीदने के फेर में 4 लोगों की मौत, 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए।
चीन की धमकी के बाद ताइवान ने जर्मनी से लगाई गुहार, क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांगी मदद। चीन में 10 दिन बाद कोरोना से हर दिन होगी 25,000 से अधिक लोगों की मौत, चीन के कोविड डेटा की खुली पोल। हज यात्रा से कोरोना की पाबंदियां हटी, दुनिया भर से हर उम्र के लोग जा सकेंगे, सऊदी सरकार ने जायरीनों की सीमा खत्म की। इजराइल के कट्टरपंथी सरकार का पहला कदम, मुल्क में फिलिस्तीन के झंडे बैन, इजराइल फिलिस्तीन जंग फिर भड़कने की आशंका। जंग लड़ने से पहले यूक्रेनी सैनिक स्पर्म सहेज रहे, वंश आगे बढ़ाने के लिए पहल, महिलाएं 20 साल तक कर सकेंगे इस्तेमाल। सऊदी अरब में आर्ट पेंटिंग्स को प्रमोशन, कल्चरल मिनिस्ट्री का ऑर्डर, फॉलो करेंगे होटल, सरकार के कदम से कलाकार खुश। इंडोनेशिया में आया जोरदार भूकंप, 7.7 तीव्रता के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। पाकिस्तान के कराची फूड फेस्टिवल के आखिरी दिन भारी बवाल मची, भगदड़ और लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी। अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी ने दिया इस्तीफा, सीजीएमएफ के सीईओ के जयंत मेहता को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। मेटा का हिस्सा बनी टाटा के क्लिक, पूर्व सीईओ मेटा ने विकास पुरोहित को इंडिया में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का हेड बनाया। ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा, केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। लॉन्च हुआ रियलमी 10 स्मार्टफोन, इसमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियल कैमरा सेटअप, जाने। ऑटो एक्सपो में 30 से ज्यादा ईवी कंपनियां नहीं दिखेंगे, होंडा हीरोज बजाज जैसे बड़े ब्रांड्स। न्यूयॉर्क में कंपनियों के सीईओ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिलेंगे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, निवेश पर हुई चर्चा। टीसीएस 1.25 लाख से देगी ज्यादा नौकरियां, शुद्ध लाभ पहुंचा 11% बढ़कर 10,886 करोड़। भारत से आईफोन का निर्यात दोगुना बढ़कर 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा, चीन से बाहर निकल रही कंपनियां। उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोने का भाव, विशेषज्ञ बोले अभी निवेश करेंगे तो हो सकते हैं माला माल। अश्नीर ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नसीहत, भारत पे से जुड़े मामले पर विनम्र रहने को कहा। फ्रांस कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, कतर वर्ल्ड कप में फ्रांस को अर्जेंटीना से फाइनल में मिली थी हार। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है बड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार। जसप्रीत बुमराह की चोट है बेहद गंभीर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी रह सकते हैं बाहर।
पाकिस्तान के लिए टी20 में सिर्फ 6 रन बनाने वाले आजम खान ने जड़ा शतक। मैच की आखिरी 3 गेंद में ठोके 14 रन। एक दिन में 24 अंडे खाते हारिस राउ इंटरव्यू में बोले गेंद की रफ्तार बढ़ाने के लिए आकिब भाई का दिया था डाइट प्लान। हॉकी में ओलंपिक जैसी कामयाबी, वर्ल्ड कप में नहीं भारत अब तक सिर्फ एक बार चैंपियन बना, 48 साल पहले कोई मेडल नहीं। कैप्टेंसी पर रोहित का जवाब, अभी फोकस वनडे वर्ल्ड कप, रोहित को देख रोने लगा नन्हा फैन तो हिटमैन ने खुद जाकर मनाया। पाकिस्तान ने जीता कराची वनडे, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, नसीम को 5 विकेट, रिजवान बाबर फखर के अर्धशतक। फुटबॉल वर्ल्ड कप हारने के बाद गैरेथ बेल का संन्यास, वेल्स को 64 साल बाद क्वालिफाई करा, एक गोल भी दागा। दिग्गज कार रेसर के कुमार की मौत, इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान हुआ था एक्सीडेंट। विश्रम रंग पर विवादों में घिरी पठान का ट्रेलर रिलीज, भगवा बिकनी में नहीं नजर आई दीपिका, विवादित गाना भी नहीं। मिशन मजनू के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची सिद्धार्थ, रश्मिका पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी, श्रीवल्ली फैंस को पसंद आई जोड़ी। जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी गई किताब गुलजार साहब ने किया जादूनामा को लॉन्च, कई स्लेब्स हुए इस इवेंट में शामिल। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का डांस चैलेंज, अमृता ने वीडियो शेयर कर लिखा मेरे स्टेप्स पर थिरके, रील बनाकर भेजे। शिल्पा शेट्टी ने मजेदार अंदाज में किया वर्कआउट शेयर, किया मंडे मोटिवेशन वीडियो, बोली दुख भरे दिन बीते रे भैया बॉडी आयो रे। प्रीति जिंटा की ऑन स्क्रीन बहने की सगाई, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से करेंगी शादी, शेयर की रोका सेरेमनी की फोटोज। तुनिशा सुसाइड केस में नए शख्स की एंट्री, शिजान नई अली के टच में थी, खुदकुशी से पहले अली को किया था वीडियो कॉल। ऋषभ पंत से मिलने पहुंची उर्वशी की मां मीरा रौतेला, शेयर के हॉस्पिटल की तस्वीर, यूजर्स बोले ऐसी सासू मां मुझे भी चाहिए। रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेद ने की ताबड़तोड़ कमाई, रीजनल फिल्म होने के बावजूद शानदार है कलेक्शन। सीट बेल्ट न लगाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए सैफ करीना, यूजर्स बोले ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए है, इनके लिए नहीं। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर्व